क्या आपने हाईलाइन के बारे में सुना है? क्या आपने डेथ एवेन्यू के बारे में सुना है? हाईलाइन के कई एंट्री पॉइंट्स हैं। इसके बिल्कुल नीचे इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, करीब 436 लोगों की मृत्यु हुई। ये हाईलाइन की एंट्री पॉइंट है। हेलो एवरीवन, क्या आपने डेथ एवेन्यू के बारे में सुना है? क्या आपने हाई लाइन के बारे में सुना है? आज मैं आपको ले चलूंगा हाई लाइन पे। वैसे हाई लाइन के कई एंट्री पॉइंट्स हैं, मैं इस वाले एंट्री पॉइंट से एंट्रेंस करूंगा। हाईलाइन एक पब्लिक पार्क है जिसे बनाया गया है ऑलमोस्ट 2 माइल लंबी एलिवेटेड रेल स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये गैंसफूड स्ट्रीट से शुरू होकर 34th स्ट्रीट में ख़त्म होती है, और मैं बिल्कुल 34th स्ट्रीट के एंड वाले हिस्से में हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है हाईलाइन का, और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके आगे का हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। वंस दिस पार्ट ऑफ द हाईलाइन इज कंस्ट्रक्टेड, दे विल ओपन दिस। अभी मैं आपको वापस इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाऊंगा। आपको न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो 5 boroughs में बटी हुई है, ब्रुकलिन, क्वींस, स्टेटन आइलैंड, ब्रॉन्क्स एंड मैनहट्टन। और मैं मैनहट्टन के वेस्ट साइड में हूँ अभी। हाईलाइन अभी एक पब्लिक पार्क है, लेकिन इसका एक बहुत ही भयंकर हिस्ट्री है, एक ट्रेजिक हिस्ट्री है। जैसे आप देख रहे हैं कितना शांत सा माहौल है, लोग वॉक पे निकले हुए हैं, और ये एक पब्लिक पार्क है जैसे मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतने लोग मरे हैं, इसीलिए इसको एक डेथ एवेन्यू कहा जाता था। जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ उसके बिल्कुल नीचे 10th एवेन्यू है, और 10th एवेन्यू में और 11th एवेन्यू में फ्रेट ट्रेन्स चलते थे, और फ्रेट ट्रेन्स बेसिकली क्या करती थी, वो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस हुआ करते थे वहाँ पे गुड्स की डिलीवरी करती थी। लेकिन फ्रेट ट्रेन्स स्ट्रीट लेवल पे चलती थी, तो स्ट्रीट लेवल में चलने से क्या होता था कि जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, बसेस हैं, हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स हैं, तो क्या होता था कि फ्रेट ट्रेन्स उसी लेवल पे चल रही है, और इस वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए, कई लोग मरे, करीब 436 लोगों की मृत्यु हुई एक्सीडेंट से, जिसमें कई बच्चे भी थे। हाईलाइन के सॉइल बेड के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सॉइल बेड है यहाँ पे 18 इंच का। यहाँ की कम्युनिटी चाहती है कि ये पार्क सस्टेनेबल रहे, तो यहाँ मल्टीपल लेवल्स पे जो है फिल्टर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, जो क्या करती है वो रेन वाटर को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करती है प्लांट्स में। हाईलाइन एक एलिवेटेड रेलवे स्ट्रक्चर है जो 2009 में ओपन हुई थी एज अ पब्लिक पार्क। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10th एवेन्यू और 11th एवेन्यू में फ्रेट ट्रेन चलती थी 1800s में, जो स्ट्रीट लेवल पे चलती थी, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए, कई लोग मरे। उस वजह से जो सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है उन्होंने डिसाइड किया कि एक लेवल ऊपर फ्रेट ट्रेन्स के जाने का बंदोबस्त किया जाए, और उस बंदोबस्त के द्वारा इस लेवल पे, जो कि ये हाईलाइन अभी एक पब्लिक पार्क है, ये यहाँ पे फ्रेट ट्रेन्स चलती थी जो कि ग्राउंड से एक लेवल ऊपर है। 1930s में हाईलाइन में फ्रेट ट्रेन्स चलने लगी, और जो लास्ट ट्रेन इस हाईलाइन में चली थी वो 1980 में थी।
1980 में जब फ्रेट ट्रेन हाईलाइन पे चलना बंद हुआ तो 100 टन्स ऑफ स्टील रेल रोड ट्रैक्स को हाईलाइन से रिमूव किया गया, लेकिन कुछ ट्रैक्स को छोड़ दिया गया ताकि पार्क का ये एक डिजाइन फीचर बन सके। जैसे मैंने आपको बताया, हाईलाइन ऑलमोस्ट 2 माइल लंबी एक स्ट्रेच है, पब्लिक पार्क है, और यहाँ पे कई एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और ये वन ऑफ द एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। ज्यादातर न्यूयॉर्कर्स को नहीं पता हाईलाइन के बारे में। अगर आपको महात्मा गांधी या मदर टेरेसा की याद आ रही हो तो प्लीज जब फ्रेट ट्रेन 10th और 11th एवेन्यू में चलती थी, स्ट्रीट लेवल में जब एक्सीडेंट्स हुआ करते थे तो डर का इतना माहौल था, वेस्ट साइड काउबॉयज अपने घोड़ों में बैठकर फ्रेट ट्रेन्स के आगे जाके लोगों को अलर्ट करते थे कि ट्रेन्स आ रही है, साइड में हो जाओ। हाईलाइन की एक खास बात यह है कि आपको यहाँ पर आर्ट, स्कल्पचर, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिखेगी। सांता क्लॉज के साथ अगर आपको फोटो चाहिए तो आपको लाइन में यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हाईलाइन वेस्ट साइड में है, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये हडसन रिवर है और हडसन रिवर के उस साइड में न्यू जर्सी स्टेट है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक समय था 1930 से 1980 जब फ्रेट ट्रेन्स इन ट्रैक्स के ऊपर चलती थी। वैसे इस हाईलाइन का आइडिया फ्रांस से यूएस को मिला था, क्योंकि फ्रांस में ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है जिसे प्रोमिनेड प्लांटी कहते हैं, जो अगर मैं फ्रेंच ट्रांसलेशन करूं तो ट्री लाइंड वॉकवे, और वो स्ट्रक्चर भी एक पुराने से रेलवे लाइन के ऊपर बनी है और यूएस ने उसी आइडिया को यहां पे अडॉप्ट किया है। में लास्ट फ्रेट ट्रेन चली थी हाईलाइन पे, उसके बाद हाईलाइन को कम्प्लीटली डिमोलिश करने का प्लान था। फिर यहाँ एक कम्युनिटी थी जिन्होंने डिसाइड किया कि इस हाईलाइन को डिमोलिश ना किया जाए और उसको एक पब्लिक पार्क बनाया जाए। एक कंपटीशन रखा गया 2003 में जिसका नाम था डिजाइनिंग द हाईलाइन। उस कंपटीशन में 720 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया जो 36 कंट्रीज से आए थे, और उनके डिजाइन को ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में डिस्प्ले किया गया। अगर आपको ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इवेंचुअली वही डिजाइन एक्सेप्ट किया गया एक पब्लिक पार्क का, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग डिजाइन बने थे। एक डिजाइन था 1 माइल लंबी एलिवेटेड स्विमिंग पूल।
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हाईलाइन की शुरुआत होती है गैंसवुड स्ट्रीट से। ये हाईलाइन की एंट्री पॉइंट है। शायद आपको एक अच्छा सा एक आइडिया मिल चुका है कि ये स्ट्रीट लेवल है, फ्रेट ट्रेन्स यहाँ चलती थी और जिसे डेथ एवेन्यू कहा जाता था, और हाईलाइन एक लेवल ऊपर जहाँ पे मैं था और मेरा पूरा वीडियो उसके ऊपर बनी थी। और हाईलाइन की स्टोरी कंप्लीट नहीं है जब तक मैं आपको हेक्टर्स कैफ़े एंड डाइनर के बारे में ना बताऊं। तो ये कैफ़े एंड डाइनर 1930 से हाईलाइन के नीचे है, और अगर आपने रॉबर्ट डी नीरो की टैक्सी ड्राइवर देखी हो तो उसका एक शूटिंग लोकेशन ये डाइनर भी था। और ये एरिया एक्चुअली मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। 1930s वो समय था जब US की जो 1/3 ऑफ मीट प्रोडक्शन वो यहाँ पर हुआ करती थी, तो उस वजह से हेक्टर्स कैफ़े एंड डाइनर हमेशा बिजी रहता था। ये 2 बजे सुबह खुल जाती थी। ये वही समय था जब फ्रेट ट्रेन्स 1930s में ऊपर चलती थी और ये डाइनर नीचे हुआ करता था, तो लोग यहाँ पर आके अपना जो है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर करते थे। तो ये था मेरा वीडियो हाईलाइन पे। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर। मैं आपको एक और बार रिकैप करना चाहूँगा कि 1800s में 10th एवेन्यू और 11th एवेन्यू में फ्रेट ट्रेन्स चलते थे टू पिकअप एंड टू डिलीवर गुड्स टू ऑल द फैक्ट्रीज एंड वेयरहाउसेस। क्योंकि वो फ्रेट ट्रेन स्ट्रीट लेवल पे चलती थी तो एक्सीडेंट्स हुए बहुत, लोग मरे बहुत, उस वजह से उन्होंने क्या किया, फ्रेट ट्रेन्स को एक लेवल ऊपर हाईलाइन पर जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पर उन्होंने फ्रेट ट्रेन्स को चलवाया करीब 1930 से 1980 तक। 1800s पे जो एक लेवल नीचे स्ट्रीट लेवल पे फ्रेट ट्रेन्स चलते थे उसके ट्रैक्स अभी बिल्कुल भी नहीं है वो, क्योंकि 10th एंड 11th एवेन्यू अभी प्रॉपर रोड्स बन चुके हैं। लेकिन हाईलाइन में एक लेवल ऊपर जो फ्रेट ट्रेन्स चले थे 1930 से 1980 तक, उसके रेल रोड ट्रैक्स अभी भी कुछ बचे हुए हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया 100 टन्स ऑफ स्टील रेल रोड ट्रैक्स को रिमूव किया गया, कुछ को छोड़ दिया गया ताकि पार्क का जो एक डिज़ाइन फीचर बन सके।